इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि हम लोग सेफ शॉप में हैं क्यों। रीजन है, हर कोई यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं पैनल पे, सबका एक एक रीजन है। यहाँ पे कई सारे मैंने पॉइंट आउट किए हैं रीजन, कि क्या क्या रीजन है हम लोग सेफ शॉप में ज्वाइंड है। हर किसी का रीजन होगा, कोई मान सम्मान की वजह से है, आर्थिक आजादी के लिए आया होगा, समय की आजादी के लिए आया होगा, दमदार टीम बनाने के लिए आया होगा, बेहतरीन लीडर बनने के लिए आए होंगे, एक्टिव इनकम के लिए आए होंगे, पैसिव इनकम के लिए आए होंगे, नाम के पहचान के लिए। ऐसी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसकी वजह से आज सभी लीडर सेफ शॉप में हैं, आज इस पैनल पे हैं, आप सभी इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। सबको अपनी ड्रीम से, इस सारी रीजनों में से एक रीजन है जिसकी वजह से हम सभी सेफ शॉप में आए हैं। लेकिन क्वेश्चन मार्क ये आता है कि उन सभी रीजनों के लिए क्या हम वही चीज अप्लाई कर रहे हैं या वही जिम्मेदारी ले रहे हैं जो हमें एक्चुअल में लेनी चाहिए, है ना। तो कैसे, मैं बताती हूँ। जिम्मेदारी मतलब हम लोग अभी देखेंगे तो कैसे आएगा जिम्मेदारी खुद के प्रति। सबसे पहले जिम्मेदारी जो लेनी है वो खुद के प्रति लेनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेनी है, अपने आप से एक कमिटमेंट करना है, अपने आप से एक वादा करना है। वादा मीन्स, एक बार जब कहते हैं ना अपने आप से वादा करो, सबको वो सलमान खान का डायलॉग याद होगा, जब मैं एक बार कमिटमेंट कर लेता हूँ तो अपने आप की भी नहीं सुनता। तो वो वाला डायलॉग हमें हमेशा अपने आप करना है। अपने आप क्या वादा करना है कि 1 साल तक, जैसे अभी मैंने आपको सारे प्रोडक्ट दिखाए, हमारे घर में ये प्रोडक्ट यूज होते हैं, हमारे घर में अगर ये प्रोडक्ट खत्म भी हो जाते हैं तो दोबारा ऑर्डर किए जाते हैं, लेकिन कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है कि आज काजू नहीं है तो भगवान के खीर में काजू डालना है तो हम दुकान से लेकर के आके डालेंगे, नहीं डलेगी, लेकिन डालना है तो सिर्फ शिप शॉप पर डालना। तो ऐसे हम अपने आप से एक जिम्मेदारी ले सकते हैं कि अगले 1 साल तक हम जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे, जो हमारे मन पसंदीदा है सेफ शॉप में, जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद है, वो 1 साल तक हम सेफ शॉप में वो प्रोडक्ट खरीदेंगे लगातार हर महीने। और वो भी ऐसा नहीं कि आपके पास जितना हाई फाई, मतलब हर चीज ऊपर लेवल पे करनी है। इसको कैसे हम जिम्मेदारी लेकर के कैसे पूरे महीने अपने साथ कर सकते हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ आगे। एक बात मान लीजिए, इससे हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इसको ध्यान से सभी नोट आउट कर लीजिएगा एंड पॉइंट आउट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं ये आपको एक अर्निंग मेथड दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए अभी ना जितने भी न्यू एसोसिएट हैं या जो अभी ज्वाइन हुए हैं या जिनकी ऑलरेडी बहुत सारी टीम है, उन सबसे है, सबके लिए है ये। अभी मान लीजिए हम लोग न्यू हैं एंड हर महीने 1,000 की शॉपिंग करते हैं, एंड 1,000 का बजट तो हर कोई मैनेज कर सकता है, एंड हर घर में देखा जाए तो हर महीने का खर्चा कम से कम 5,000 से ज्यादा, अगर ग्रोसरीज के जितने भी आइटम लें तो कम से कम 5,000 या 3,000 से ऊपर ही जाता है, नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड में भी सारा खर्चा निकाल के देखे जाए तो। लेकिन उसमें से अगर हम ये डिसाइड कर लें कि हमको 1,000 रुपए की जो शॉपिंग है वो सिर्फ सेफ शॉप से करनी है, और उस सेफ शॉप में अगर हम लेते हैं, अभी सबके मन में एक और डाउट आ जाएगा, अगर मैम 1,000 का हम लोग लेंगे तो 1,000 में हमको कुरियर चार्जेस लगते हैं, एंड कुरियर चार्जेस कितना है, यहाँ पे मैंने वो कुरियर चार्जेस भी ऐड किए। अब ये कुरियर चार्जेस 150 लगा लीजिए तो टोटल हमको कितना पड़ जाता है, 1,000, 1,150 का हमें पड़ जाता है टोटल, एंड हमें उतने में कितना बिजनेस वॉल्यूम मिल जाता है, 5 बिजनेस वॉल्यूम मिल जाता है, एंड ये 5 बिजनेस वॉल्यूम अगर हम पूरे साल भी खरीदारी करते हैं सेफ शॉप से, टोटल 12,000 होते हैं और टोटल कुरियर चार्जेस 1,800 हो जाता है, तो टोटल हमारा टोटल कितना पैसा जाता है, 13,800 जाता है, और इसमें हमें कितना बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, 60 बिजनेस वॉल्यूम। अभी आपको सबको ये ज्यादा लग रहा होगा और सबको ये डाउट भी आ रहा होगा कि मैम मैं तो अभी न्यू न्यू ज्वाइंट हुआ हूँ, मेरे चेक नहीं आ रहे हैं, एंड मैं कैसे इसे ले सकता हूँ, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं, अरे मतलब हर टाइम जब भी हम दुकान में कुछ लेने भी जाते हैं, अभी नवरात्रि के कुछ भी लेने के लिए जाएंगे, काजू लो, किशमिश लो, कितनी भी चीजें लेने के लिए जाएं, कम से कम 1,000 रुपए का बजट तो जाएगा, एंड कह रहे हैं वो 1,000 रुपए, ज्यादा नहीं, 1,000 रुपए में जो मिनिमम है, मिनिमम से मिनिमम, एंड 1,000 रुपए का खर्चा तो हर कोई निकाल सकता है, उसके लिए चेक बनने की जरूरत भी नहीं है, आपके पास चेक नहीं बना है, न्यूली ज्वाइंटेड है, फिर भी हम 1,000 रुपए का, तो घर पे हर कोई ग्रोसरी सामान लेके आता है, वो 1,000 रुपए का सामान अगर मंथली हम खरीदते हैं तो 5 बिजनेस वॉल्यूम होगा, 5 बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। लेकिन ये मैं करने के लिए क्यों कह रही हूँ, स्टार्ट
स्टार्टिंग में हमें बर्डन लगेगा क्योंकि हम इंडिविजुअली इसको कर रहे हैं, हर महीने में हमें 1,000 रुपए का खरीदना, तो टोटल 12 महीने में 12,000 आ जा रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमने पहले खुद के प्रति जिम्मेदारी ली कि हर महीने मैं हर टाइम खरीदूंगा, एंड वही चीज अगर हमने टीम में डुप्लीकेट की, अगर हमने टीम में डुप्लीकेट कैसे की, जब तक हम नहीं करेंगे, हमें क्या लगता है हम लोगों के सामने जाके अपनी टीम में जाकर के बार बार बोलेंगे कि भाई ले लो इससे ये हमें ये बेनिफिट है, तो आपको क्या लगता है वो हमारी बात मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। एंड बस यही बात आएगा, सबसे पहले सवाल पूछेंगे सर आप करते हैं क्या, नहीं आएगा हमारे पास। जब हम नहीं करते हैं तो हम लोगों को रेकमेंड ही नहीं कर सकते। अभी मैं प्रोडक्ट के बारे में आपके सामने अच्छे से बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने खुद उसको यूज किया, फील किया। एंड अभी जब हम खुद के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देंगे, अगर हमने महीने महीने 1,000 रुपीज का, और ज्यादा आपको ज्यादा बजट भी नहीं, बस ये डिस्क्राइब करना है 1,000 रुपीज में मेरे को हर महीने लेना है, एंड लॉयलिटी क्लब में जाना है कि मैं हर महीने सेफ शॉप में खरीदूंगा और जो भी प्रोडक्ट है जो मेरे पसंद का प्रोडक्ट है। जबरदस्ती नहीं है कि आपको यही प्रोडक्ट लेना है, ये प्रोडक्ट नहीं लेना है, आपको जो प्रोडक्ट पसंद है वो प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं। एंड अभी हमने क्या किया, अभी हमने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ली। अभी टीम में मान लीजिए आपकी टीम में 2 पर्सन है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हैं, एंड जैसे मैं हूँ, एंड मैं हूँ और मेरे साथ 2 लेडीज हैं या कोई भी मेरी टीम के 2 लीडर हैं, और मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि जिस तरीके से मैं लॉयलिटी क्लब में हर महीने 1,000 रुपीज की शॉपिंग कर रही हूँ, उसी तरीके से मैं अपनी टीम में भी वो 2 लोगों को करवा रही हूँ, तो इससे क्या होगा, अभी वो दो दो लोग हैं वो हमेशा कितने 5 बिजनेस वॉल्यूम का हर महीने खरीद रहे हैं, तो टोटल मेरे पास कितने आ जाएंगे, 10 बिजनेस वॉल्यूम आ जाएंगे। एंड उसको अगर इनकम वाइज देखा जाए तो हमें स्टार्टिंग में 50 रुपीज मिलेंगे, ठीक है। अभी सेकेंड में देख लीजिए, सेकेंड अगले महीने में वो जो और 2 लोग थे, उन 2 लोगों ने अपने टीम के और 2 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, एंड अभी वो बिजनेस वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 30 बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा, एंड इनकम कितनी आएगी, 150। मैं हर महीने की बात कर रही हूँ, हर महीने में अपनी टीम में जितने भी लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2 लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, एंड 2 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे, आपको सारे साइड की लेने की जरूरत नहीं, आप अपने अर्निंग लेग रिच लेग जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, उसमें से आप किसी भी टॉप लीडर्स की सेलेक्ट कर लीजिए, टॉप लीडर की सेलेक्ट करके करने के बाद उन 2 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के, उन 2 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद जिस तरीके से आपने 1,000 रुपए के बिजनेस वॉल्यूम की शॉपिंग की, सॉरी 1,000 रुपए की शॉपिंग की, वैसे ही उनको आपने शॉपिंग करने के लिए कहा, तो वो भी आपकी लॉयलिटी क्लब में आ जाएंगे, वैसे ही उन्होंने अपनी टीम में से 2 लोगों को ढूंढ लिया, ऐसे करके यहाँ पे थर्ड मंथ में देखेंगे तो वो 6 लोग हो गए, फिर 6 लोगों के माध्यम से और 8 लोग आ गए, तो ऐसे करके देखते जाएंगे। तो स्टार्टिंग में हमें इनकम कम दिख रही है और कम लगेगी क्योंकि है 50 है, 150 आ रहा है, 350 आ रहा है, फिर 750 आ रहा है, तो इनकम हमें कम दिखेगी। एंड यहाँ पे देखेंगे तो 6th महीने में हमको इनकम आ रही है 3,150 रुपीज कम से कम, आ रही है कि नहीं? तो स्टार्टिंग में जब भी ग्रोथ होती है तो स्लो दिखती है। एंड अभी एक और सवाल आएगा कि मतलब सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं कि जैसे अभी यहाँ पे मैं कुछ सवाल लेती हूँ कि बहुत सारे सवाल लीडर्स हमसे करते हैं, है ना, जब भी आप उनको जाकर के बोलेंगे कि हमें प्रोडक्ट यूज करना है, सेफ शॉप में हैं हम लोग, हमें ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, आप करके देखिए, तो सबसे पहले ये सारे सवाल आते हैं हमारे सामने और ये कॉमन सवाल है, प्रोडक्ट महंगा है, दूसरी कंपनी का इस्तेमाल करते हैं, तुरंत मिलता है, सेफ शॉप में लेट होता है, शॉप कहाँ पे है, इकट्ठा लेना क्यों है, एंड बिजनेस वॉल्यूम कम है, कुरियर चार्जेस लगते हैं, ये सारे सवाल आ जाएंगे हमारे पास। ये कुछ इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपको हमेशा फील्ड में फेस करने को मिलेगा, एंड इन सवालों के लिए मैं आपको एक और रीजन दिखाती हूँ कि अभी हमने यहाँ पे 6th महीने तक तो हमको इनकम नॉर्मल आ रही है, एकदम नॉर्मल है, जैसे हम लोग जैसे सैलरी है, हमको ज्यादा दिखेगा नहीं इम्प्रूवमेंट। लेकिन अगर मान लीजिए यही अगर हम 12th महीने तक, 11th महीने तक यही प्रोसेस को कंटिन्यूस करते हैं और उस प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं, मॉनिटर भी कैसे, कि मान लीजिए आपने 2 महीने तक आपने लीडर की मॉनिटरिंग की कि हाँ मैंने खरीद लिया तो उन्होंने भी खरीद लिया, एंड आप लीडर्स को बोले कि अगर वो खरीद रहे हैं तो जितने बिजनेस वॉल्यूम का उन्होंने खरीदा है उतने का स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे को भेजें, एंड भेजने के बाद कंटिन्यूस 12 महीने तक इसको आपने मॉनिटरिंग कर लिया, तो करने के बाद देखिए
यहाँ पे 11th महीने में ही आपकी इनकम 6 फिगर में आ रही है। एंड 6 फिगर में यहाँ पे जितने भी लीडर्स होंगे पैनल पे, इसमें मिनिमम लोग होंगे जिनकी इनकम 6 फिगर्स में आ रही है।